माघ मेले के मुख्य स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर तीर्थराज प्रयाग में संगम की रेती पर श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा है। करीब 700 हेक्टेयर में बसा मेला क्षेत्र इस समय पूरी तरह पैक्ड है। दूर दूर से आए श्रद्धालु अपने परिवार समेत मेला क्षेत्र की सड़कों के किनारे डेरा डाले हुए है। आधी रात बाद संगम समेत 17 स्नान घाटों पर पुण्य की डुबकी प्रारंभ हो जाएगी। मौनी अमावस्या के स्नान पर्व से दो दिन पहले यानी गुरुवार से ही श्रद्धालुओं का झुंड मेला क्षेत्र में प्रवेश करने लगा था। शुक्रवार भोर से तो स्नानार्थियों का रेला उमड़ पड़ा। पहले लोगों ने साधु संतों और कल्पवासियों के शिविरों में आश्रय लिया, लेकिन भीड़ बढ़ने के बाद श्रद्धालु सड़कों के किनारे ही परिवार समेत जमा होने लगे और वहीं भोजन बनाकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। मेला प्रशासन का अनुमान है कि मेला के मुख्य स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु गंगा, यमुना और अंतःलीला सरस्वती के त्रिवेणी संगम में पुण्य की डुबकी लगाएंगे। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मेला प्रशासन इस समय अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने स्नानार्थियों की सुविधा के लिए 2 नए स्नान घाट बनाए हैं। मकर संक्रांति के पर्व पर संगम समेत 15 घाटों पर स्नान हुआ था। इस बार 17 घाटों पर स्नान की तैयारियां की गई है। इसके अलावा स्नान घाटों की लंबाई भी बढ़ाई गई है ताकि स्नानार्थियों को डुबकी लगाने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नगर क्षेत्र में 14 होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जहां श्रद्धालुओं को कुछ समय तक रोका जाएगा। मौनी अमावस्या का महापर्व इसलिए भी इस बार विशेष हो गया क्योंकि शनि की 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। 30 वर्षों बाद कुंभ राशि में शनि प्रवेश कर रहा है जब मौनी अमावस्या पड़ रही है। शनिवार को होने के नाते मौनी अमावस्या पूरे विश्व के लिए बहुत कुछ लेकर के आ रही है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को मौन रहते हुए मौनी अमावस्या में भगवान के महामंत्रों का जप करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पूर्व स्नान कर लें, फिर वो दान करें। दान करने के बाद संकल्प, गोदान, हवन, पूजा पाठ जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। 8:33 से लेकर के 9:53 के मध्य में जो प्रभात काल में विशेष अमृत योग बन रहा है, सिद्ध योग बन रहा है, अभिजित योग जो बन रहा है, उस समय यदि आप दान पुण्य स्नान करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही मनोवांछित फल देने वाला होगा। यह पर्व आप सबके लिए यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम, जो चाहेंगे वह देने वाला फल निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। मौनी अमावस्या एक बहुत सुखद संकल्पों के साथ पूरे देश की राष्ट्र रक्षा करने के लिए हम लोगों को कल तिलों का दान करने की भी आवश्यकता है। गुड़ दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, कंबल दान कर सकते हैं, फल दान कर सकते हैं। अन्य दानों के साथ साथ हम यदि कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 27 बार कल सूर्य को अर्घ दें। यदि मैं इतना भी करता हूं तब भी आपको और आपके परिवार का कल्याण हो सकता है। यदि आप सुदूर हैं और नहीं आ सकते हैं तो आप जहां भी हों वहीं से 100 बार गंगा का स्मरण करें। गंगे तो दर्शनात मुक्ति, 100 बार गंगे स्मरण करें और वहां रखे हुए जल को स्पर्श करके उससे स्नान कर लें, तब भी आपको प्राप्त हो। अमूमन स्नान पर्व की पूर्व संध्या से मेला पुलिस अलर्ट मोड पर आती है और जगह जगह जवानों की तैनाती की जाती है, लेकिन इस बार भीड़ के मद्देनजर शुक्रवार सुबह से ही मेला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। जवानों को तैनात कर दिया गया है। संगम क्षेत्र कमांडो के कब्जे में है। मेला पुलिस अधीक्षक राजीव नारायण मिश्रा के अनुसार पूरे मेला क्षेत्र में करीब 5,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। बम डिस्पोजल स्क्वायड, डार्क स्क्वायड और AS एंटी सबोटेज टीमों को सक्रिय कर दिया गया है। संगम क्षेत्र में कमांडो के अलावा NDRF, SDRF और PAC के जवानों को तैनात किया गया है। सभी स्नान घाटों पर गोताखोर मौजूद हैं। स्नानार्थी गहरे जल में न जाएं, इसके लिए स्नान घाटों पर जाल लगा दिए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र की ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। इसके अलावा मेला क्षेत्र में पहली बार बॉडी वार्न कैमरों से सुसज्जित पुलिस वाले तैनात हैं। संदिग्ध व्यक्तियों एवं संदिग्ध वस्तुओं पर विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है। माघ मास में मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा स्नान कल है और आज ही से काफ़ी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रातःकाल से आके संगम तट पर और अन्य स्नान घाटों पर स्नान कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक बृहद सुरक्षा योजना के अंतर्गत उनके आने के और जाने के मार्ग पृथक पृथक निर्धारित किए हैं, जिससे कोई स्टैम्पीड आदि की घटना ना हो। जब वो स्नान करें तो हम उनको सुरक्षित स्नान प्रदान करें, इसके लिए डीप वाटर बैरिकेटिंग, रिवर लाइन और जाल की व्यवस्थाएं संगम तट पर और अन्य स्नान घाटों पर की गई हैं। इसके साथ ही जो रिवर लाइन्स हैं उसके साथ साथ फ्लड कंपनीज के जवान, SDRF के जवान और NDRF की टीमें व्यवस्थापित की गई हैं। साथ ही प्रशिक्षित गोताखोरों की नियुक्ति की गई है।
पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हम लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि रिवर लाइंस के बियॉन्ड जाके स्नान न करें। जो हमारे स्नान घाट प्रतिबंधित है वहाँ पर स्नान न करें। जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि 100 मीटर के अंदर किसी प्रकार की वीडियो फोटोग्राफी, डिजिटल फोटोग्राफी ना करें। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हम सारे श्रद्धालुओं से लगातार संवाद स्थापित कर रहे हैं। पूरे माघ मेला क्षेत्र को CCTV कैमरों के माध्यम से हम लोगों ने आच्छादित किया हुआ है, जिसका फीड हम लोग 24/7 ICCC में ले रहे हैं। ड्रोन कैमरों के माध्यम से चाहे अरेल का क्षेत्र हो, झूसी का क्षेत्र हो, संगम का क्षेत्र हो, नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा एक अभिनव प्रयोग करते हुए 80 बॉडी वोन कैमरों का व्यवस्थापन भी हम लोगों ने महत्वपूर्ण स्थानों पर वाइटल इंस्टॉलेशन पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से, संदिग्ध व्यक्तियों पर नज़र रखने के उद्देश्य से, लावारिस वस्तुओं को चेक करने के उद्देश्य से व्यवस्थापित किया है। सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। विषम परिस्थितियों में कोई ऐसी आपदा आती है तो जी, एक हम लोगों के पास कंटिजेंसी प्लान है। अगर श्रद्धालुओं की संख्या में अप्रत्याशित या अत्यधिक वृद्धि होती है तो हमारे पास 10 स्कीमें हैं, जिसका कि हम लोगों ने रिहर्सल भी कराया हुआ है और उसके माध्यम से हम लोग इस प्रबंधन को सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जो इस माघ मेले क्षेत्र में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कम से कम पैदल चलना पड़े, इसके लिए माघ मेले क्षेत्र के अंदर ही हम लोगों ने पार्किंग की व्यवस्थाएं, 2 पार्किंग की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की है, जिससे श्रद्धालु अपने 2-पहिया और 4-पहिया वाहन को वहाँ खड़ा करके संगम तट पर या अन्य स्नान घाटों पर जाकर स्नान करें, अपने गंतव्य को सुरक्षित वापस जा सकें। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, ADG भानु भास्कर, पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा, जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री व मेलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान समेत विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारियों ने गुरुवार को ही बैठक कर मेले में तैनात पुलिस अधिकारियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए थे। अमावस्या पर्व पर विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के साथ काम करने पर भी बल दिया गया है।